हेलो एवरीवन, मैं गुरपाल सिंह फ्रॉम सुपीरियर माइंड एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो 10th क्लास से मैथ सब्जेक्ट में है, क्वाड्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको इक्वेशन देखनी है कि कोई भी इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन होती है वो आपको बताना है कि वो क्वाड्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही। जो इक्वेशन है वो हमें पता कैसे चलेगी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी इट मीन दैट वो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन पे आएगी या उसको सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये चीज बनती है कि नहीं बनती। लाइक वेरी फर्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि वो इक्वेशन वेरीफाई करती है क्वाड्रिक इक्वेशन में या नहीं। तो क्वेश्चन आपके 4.1 से ही उठाया मैंने, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इट इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि आपको यहां पे दो तीन मेथड है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। लाइक किसी को यही नहीं पता कि दोनों के बीच में एक मल्टीपल का साइन है, तो कई बार क्या करते हैं इसी को एक के साथ कर देते हैं या कोई अलग से कुछ निकाल के वैल्यू निकाल देते जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये मेथड आपको इसलिए करवा रहा हूं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड ठीक है और राइट हैंड साइड को अलग अलग कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन ये रखना है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री ये रख लिया। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को चला रहा हूं, ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या है, देखो अब पहला है ये वेरी फर्स्ट वैल्यू इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी, x मल्टीप्लाई x इट गिव एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी यही फर्स्ट वैल्यू इसके साथ करेगी, देखो पहले इसको इसके साथ किया हमने ये मिल गया, फिर अब इसी को इसके साथ करना है। ठीक है, कई बार क्या करते हो तुम लोग, इसको इसी के साथ करके पता नहीं कहीं और ही आंसर बना देते हो। अब ऐसा नहीं है, आपको वेरी फर्स्ट वैल्यू इसकी उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो लिख लेना है, फिर आपको यहां पे प्लस माइनस का साइन, देखो अब इसके ऊपर भी प्लस है इसके आगे भी प्लस है, प्लस 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 बन जाएगा। अब x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1x हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा यहां पे माइनस का साइन दिया हुआ है तो आपको माइनस का साइन यूज के 2 डाल दिया। अब 2 को x के साथ किया तो 2x होगा, 2 मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि मेरे को पता है यहां पे 1 वेरिएबल है तो 2 1 द 2 ही होगा, अगर यहां पे 3 होता तो 2 3 द 6 आ जाता। ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना, मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर नेक्स्ट में क्या है, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो साइन हमारा माइनस का आ गया। अब 2 1 द 2, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके थोड़ा सॉल्व कर लें, इजी बना लें, तो क्या होगा x स्क्वायर। अब देखो 1x माइनस 2x, 2 में से 1 निकाला 1 और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की है, वो आ गया, फिर हमारे पास माइनस 2x हो गया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड की इक्वेशन को तैयार करना है। तो उसमें क्या होगा, सिमिलरली सेम पैटर्न, x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, x को 3 के साथ किया तो 3x, x को 1 के साथ किया तो माइनस x, 1 को 3 के साथ किया तो साइन हमारा माइनस का और 3 की वैल्यू। सॉल्व करो इसी को, ठीक है, सॉल्व करने के बीच में क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 इट विल गिव 2 और साइन हमारा बड़ा डिजिट जो होता है वो, यहां पे बड़ी डिजिट 3 है तो साइन कौन सा है, प्लस का, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया तो माइनस का 3। अब देखो इक्वेशन ये बन गई और इक्वेशन ये बन गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी तरह आपको दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, तो अब दोनों को इक्वल रखने के लिए मैं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, अब ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ये रख दी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है, कंपेयरिंग कर दी, ये लिख दिया फिर ये लिख दिया। अब क्या करना है, इनको आपको रीअरेंज करना है, मतलब जो वैल्यू इधर वाली है इसको इधर लेके जाके माइनस के साइन में जाके चेंज करके इक्वल टू जीरो करना है। अब इक्वल टू जीरो मतलब ये सारी की सारी वैल्यू को इधर घुमाना है। देखो अब कैसे, एक्स स्क्वायर पहले ये पूरा लिख लो, एक्स माइनस टू लिख दिया,
अब ये वाली, अब यहां पे वैल्यू पॉजिटिव की है, अब ये पॉजिटिव की है उधर जाएगी तो नेगेटिव की बन जाएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव की है तो माइनस टू एक्स, अगर माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक हमारा बन गया। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना पूछ ले डाउट, ठीक है, क्लियर कर ले। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई है, अब हमारी हो जाएगी इसमें से कटिंग। कटिंग जैसे ही देखो, ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव की, ये हमारे पास सीधा कैंसिल हो गया, और कुछ सीधा कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो उसको साइड पे लिख लो। तो माइनस एक्स माइनस टू, माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो माइनस का टू प्लस का थ्री, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस तो होगा पर साइंस हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट थ्री है, तो पॉजिटिव का लगा के हमारे पास आंसर था वन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये तो मैंने कर दिया, ये वाला फैक्टर कर दिया, और ये रह गया, मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया था कि आपको इस पर ज्यादा ध्यान दोगे। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने थ्री एक्स तो लिख दिया, बट अब साइन कौन सा होगा, देखो यहां पे बड़ा डिजिट कौन सा है हमारा, टू एक्स, तो साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई, तो ये हो गई हमारे पास माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब मैंने ये बोला था क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चीज इसके इक्वल है, नहीं है। अगर नहीं है तो यहां पे लिखोगे नॉट, बोल सकते हैं हम नॉट क्वाड्रिक, क्वाड्रिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन लिख दिया, या सेटिस्फाई नहीं हो रही वो लिख दो, या नॉट वैलिड, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी लिख दो, या नॉट इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन कुछ भी लिख दो, बस आपको ये लाइन जरूर लिखनी होती है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन, या आप ये लिख सकते हो दिस लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन, ऐसे पूरा अच्छे से शो कर देना। अब ये तो हमारे पास नहीं थी, अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपको दूसरा वाला क्यूब वाला देखूं। ठीक है, अक्सर उसमें फॉर्मूला है इसीलिए, तो वो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का क्यूब। देखो मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, वो ध्यान देना क्या फॉर्मूला है। तो मैंने राइट हैंड साइड उठाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सोल्व है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो राइट हैंड साइड उठाई x माइनस टू का क्यूब, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, x का क्यूब माइनस टू का क्यूब, देखो ब्रैकेट में, ठीक है, x का क्यूब माइनस टू का क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू टू ब्रैकेट में x माइनस टू। मतलब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस थ्री ए बी, फिर ब्रैकेट में a प्लस सॉरी a माइनस बी। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है, तो आपका जो सोल्विंग इक्वेशन बन रहा होगा वो हमारा ऐसे बन जाएगा, x का क्यूब माइनस टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट आ गया। ठीक है, माइनस थ्री टू द सिक्स एक्स, एक्स माइनस टू, अब इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या होगा आपका, एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस छह दुनी बारह एक्स, छह सिक्स टू द ट्वेल्व एक्स। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हो गया। अब इसको इसके इक्वल रखना है, तो रख दो। ठीक है, यहां से हमारा द्वारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। ठीक है, मैंने ये तैयार कर दिया। अब मैंने इसको इधर लेके आना है, तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस एट, सॉरी ये हमारा प्लस माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस का था, ये माइनस का आ गया, ये माइनस का तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का तो ये प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर तो प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमारा ये, हमारा ये क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा इधर आके, ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, ये माइनस का, और अब हमें इक्वल टू जीरो रख देना है। अब कटिंग देख लो, देखो यहां से ये सीधा कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है। ठीक है, कैंसिल हो गया, अब ये माइनस एक्स है, ये ट्वेल्व है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन हमारा यही रहेगा, थर्टीन एक्स हो गया। इसको और इसको मैंने ऐड किया। ठीक है, फिर
एक्स स्क्वायर और एक्स, देखो माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो साइन कौन सा पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट ये है, तो क्या होगा 2x2। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया 1 और 8, प्लस प्लस दोनों को प्लस कर देना है, तो कितना आएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो भाई ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि a x का स्क्वायर भी है, b x भी है, प्लस c, मतलब इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, तो ये वाली इक्वेशन इसी में जाके लाई करती है। ठीक है, ये मेरा बन गया था हमारे पास, जैसे आपने देखा ही है 2x2, तो यहाँ पे 2x2 प्लस 13x प्लस 13x प्लस 9 मतलब प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, कोई x वैल्यू वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने नहीं लगा हुआ, तो ये हमारे पास क्या होगी क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम क्वाड्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वाड्रिक का वेरी फर्स्ट में मेन कंसेप्ट। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी और उसको सेटिस्फाइड करना आ गया, जो कि एक या दो मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई एज वेल एज पंजाब बोर्ड स्कूल पैटर्न में। ठीक है, तो बाकी जो हमारे क्वेश्चनिंग है और जो मेन मेन कंसेप्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे इस चैप्टर के। थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एंड मोर कंसेप्ट फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम सुपीरियर माइंड एकेडमी। थैंक यू।